ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो जाना होता है क्योंकि हम दो बहनें हैं, एक बहन सेंटर पर रहेगी ही रहेगी, तो एक बहन के साथ कोई दूसरा होना चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है, अभी पिछले साल की ही बात है, मुझे जाना था अबू, मीरा बहन को जाना था, मेरे साथ ही बहन को जाना था अबू, और कल मुझे निकलना है, उसे निकलना है, और आज कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ किसी बहन के रुकने का, किसी कुमारी का, माता के रुकने का अरेंजमेंट नहीं हुआ। कहा कि ये बोली, मैं तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपकी तबीयत ख़राब है, रिजर्वेशन कैंसिल करो। जिस बहन ने रिजर्वेशन करवाया था उसको फ़ोन भी कर दिया, रिजर्वेशन कैंसिल करो। तो मगर अचानक इनको जो है फलाने से बात करते हैं, कई लोगों से बात की, नहीं बात बनी, कहा फलानी कुमारी को बात करके देखते हैं। जैसे उससे बात की तो उसने हाँ कर दिया, जब पलट के कहा रिजर्वेशन कैंसिल नहीं कराओ, फिर मैंने कहा मत कराइए, तो उन्होंने कहा वास्तव में, फिर उन्होंने कहा मैंने तो अशोक भाई को बोल दिया था, उन्होंने किसी और बहन को बोल दिया होगा। अब देखिए इसमें भी ड्रामा, भाई को फ़ोन किया, भाई साहब रिजर्वेशन किसी और की बहन को ना बोलो, बोले अरे बहन जी अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया, मैंने तो उस बहन को फ़ोन किया तो उस बहन ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। तो इसीलिए इस तरह से सारा इंतज़ाम लास्ट मोमेंट पर, इसी तरह से एक बार और भी था, नहीं कोई मिल रहा है, रिजर्वेशन कैंसिल कराना है, शाम को हम लोग सवेरे की ट्रेन है, रात को हम लोग बात कर रहे हैं, किसी से नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, कोई नहीं रुकने को तैयार है। एक बहन वो कभी कभी आने वाली चांस की बात उससे मैं आ गई, बोली दीदी क्यों परेशान हो रही हो, हम अपनी कुमारी भेज देंगे। ये दो तीन घटनाएं जब से हुई तब से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, दिमाग चलाना बंद कर दिया, अपना दिमाग क्यों खपाएंगे, बैठा है ना वो कराने वाला, सारा कार्य उसका है, सेवा उसकी है, हम उसके हैं, तो वो बैठा है देखने वाला, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से बाबा हमारे हर कदम पर, हर पल, हर समय, उसकी जैसे कि हम उसकी छत्र छाया में चल रहे हैं, वो हमारे सिर पर हाथ रख करके चल रहा है, और उसे पता है कि उसे कहाँ क्या करना है।